ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਹੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੇਡਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਆਉਂਦੇ ਜੀ। ਖੇਡਣਾ ਤਾਂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਚੌਥਾ ਸੂਆ ਇਹ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ ਵੱਡੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਓਰ ਬੀਟਲ 'ਚ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਪਿਓਰ ਬੀਟਲ 'ਚ। ਅਤੇ ਕੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿਓਰ ਦੀ? ਸਿੰਘ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੱਕ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਾਊਨ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਇਹ। ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਚਪਟੇ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਝੋਲਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਹਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਦੱਸਣਾ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਸੂ ਆਊਗਾ ਇਹ? ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੇ ਸੂਏ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਸੂਆ। ਅਤੇ ਕੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 34-35 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਥਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ। वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन ऑल पे कर दें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद दोस्तों। आज दी वीडियो उन्ना लोकां दे लई है जेड़े लोग बेटियां नू बोझ मानते ने ते काफ़ी टेंशन जिहड़ी उन्हां दे मन दे विच रहिंदी है। पर अज दी जिहड़ी वीडियो है ये देखोगे तो बेशक काफ़ी प्राउड भी होना बेटियां ते, क्योंकि अज असी एक बकरा मंडी ते पहुँचे सी। सिंगो बकरा मंडी तो वीडियो शूट कर रहे हैं। उत्थे एक बेटी पहुँची सी जो कि काफ़ी वधिया काम भी करती है, स्टडी भी करती है, उम्र काफ़ी छोटी है, मेरे नाल भी है, तो काफ़ी सोहने जिहड़े जानवर लैके भी आए सी। तो गलबात कर लैने बेटा, की नाम है तुहाडा, किहड़ा पिंड है? अर्शदीप कौर भाई, ते पिंड सिंगो। अच्छा अर्शदीप, किन्नी उम्र है तुहाडी ते की कुछ करदे हो? 13 साल की उम्र है, पढ़ाई भी करते हैं ते बकरियां भी सामदे हैं। अच्छा घर च कौन कौन है? मेरी मम्मी ते मेरा डैडी ते मैं ते मेरी भैन ते भरा। अच्छा 5 जने हो हैं तुसी, ते घर दा गुजारा फिर बकरी पालन ते चलदा जां होर भी काम है? होर भी काम है जी, ते बकरियां दे भी चलदा। अज फिर तुसी आए सी मंडी दे विच? हां जी। किन्ने जानवर ले आए हो? बस 15-16 जानवर लेंदे आ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਠਾਓਗੇ? ਜ਼ਰਾ ਚੱਕੋ ਜ਼ਰਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਗੁੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਿਓਰ ਬੀਟਲ। ਅੱਛਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਪਤਾ ਇਹਦਾ? ਦੱਸਣਾ ਚੌਥੇ ਸੂਏ ਆ ਇਹ। ਹਾਂ, अच्छा चौथा सूआ है ये। आ देखो जी क्वालिटी काफ़ी शानदार थन वड्डे। तो ये प्योर बीटल च है? हाँ जी, प्योर बीटल च। तो की पहचान की होंगी है प्योर दी? सिंग मुड़े होंगे, कन्न वड्डे होंगे, नक्क। हाँ बिल्कुल, देखो बहुत वधिया जिहड़ा जानकारी दे रही है गुड़िया। कन्न लम्बे चौड़े, तो सिंग देखो तुसी बहुत वधिया छोटे तो चपटे। नक्क दी बनावट देखो, ते एक होर खास गल के वाइट आईज है ये, बहुत सोहनी बकरी है। एक गब्बन है हजे के किमें? गब्बन है। अच्छा गब्बन है। एदे दूध बारे पता कितना कहूगा? दूध 2 लीटर जी। अच्छा 2 लीटर। अंदाज थन दिखाओ जरा, थन ले आओ। आ देखो थन काफी वधिया, ते हाइट होनी चाहिए 36-37 है ना इन्नी? ते ए वेचनी है तुसी के दिखान वास्ते लेके आए हो? बेचन वास्ते लेके आए हैं। कोई कीमत है इसकी? कितनी दसो? 35,000 रुपया। अच्छा 35,000 रुपये इसकी कीमत कर रहे हैं। स्क्रीन पे नंबर है जिहड़ा, वो इन्हां दे घरदियां दा चल रहा, तुसी गलबात भी कर लियो। बेटा आ वाली खड़ी कर लो, आ लियो। आ देखो जी बहुत वधिया बकरी, एक लोहे रंग दे विच। हाँ हुण दसो जरा इहदे बारे, इह किन्नवा सूआ होणी है, की है? इह तीजा सूआ है। अच्छा तीजा सूआ। आ देखो जी क्वालिटी, कन्ना दी लेंथ बहुत शानदार है, ते ब्राउन आईज है ये। सिंग देखो चपटे, ते इसका भी आप झोला खोल के दिखा दिए एक बार। हाँ आ देखो काफ़ी वधिया। ये कितना का दूध वगैरह दें दिंदी है वीरे? ये भी 2 लीटर ही दिंदी है। अच्छा 2 लीटर दे आइडिया जिहड़ा है
तो 36-37 हाइट यदि भी होनी चाहिए बेटा। छोड़ो यदा मूँह छोड़ो इधर फड़ो हाँ बस बस। सो यदा की कीमत कर दे तुसी? है कोई आइडिया कि नहीं? 25,000 रुपये। अच्छा 25,000 रुपये यदी कीमत कर रहे हैं। तो आ जाओ होर दिखा दिए आ वाली दिखा दो। ए बेचने ने? अच्छा रखी हुई है दिखाता दी है आप जरा उठा के दिखा दो क्वालिटी। आ देखो ए पट्ठ है? हाँ जी पट्ठ है। ये किन्ने चिर की हो? ये 4-5 महीने की है। अच्छा 4-5 महीने की क्वालिटी जरूर दिखा दी है तुहानू। चिट्टियां अखा सिंग देखो तुसी काफ़ी वधिया ते नक की बनावट बहुत वधिया कन भी बहुत लंबे चौड़े फुल फ्रेम करके भी दिखा दिया करो जरा एक बार बकरी। आ देखो जी काफ़ी वधिया ए तुहाडी है ए वाली और कौन सी? ए देखो हाँ ए वाली उठायो जरा। आ देखो जी का ब्राउन दे विच इदा दिखा दो चड्डा। आ देखो जी एदे बारे दसना बेटा किन्नवा सूआ होएगी? ये 400। अच्छा चौथे सूए है जी। दूध किन्ना हो सकता है? 3 लीटर। अच्छा 3 लीटर दे आइडिया जड़ा दूध है तो फेस क्वालिटी दिखाओ बहुत वधिया। एदी कीमत किन्नी कर दे हो? 20,000 रुपया। अच्छा 20,000 रुपये एदी कीमत कर दे। देखो कन्ना दी लेंथ बहुत वधिया इत्थों पकड़ो इनू हाँ सिंग देखो तुसी नक दी बनावट बहुत शानदार। तो आइडिया यदि हाइट होनी चाहिए कोई 34-35 इन्नी क है ना। आ तो आड़ी है? हाँ जी। आ छड़ दो आ भीरे ये तो बंद हो चोला आ दिखा दो। आ देखो उधर कर लियो पाजी थोड़ा जा। आ देखो जी हाँ बेटा दसना ये बारे। हाँ जी। ए किन्नवा सूआ होगा? ए भी तीजे सूए है। अच्छा तीसरा सूआ ते किन्ने बच्चे है नाल? 2 बच्चे। अच्छा एक ता हैगा ही है होर दूजा किधर गड्डी च? नहीं वो बैठा। अच्छा वो परले पासे बैठा है जी। हाँ ले आओ जरा ले आओ वो भी दिखाइए बच्चा देखो वधिया। एदी कीमत किन्नी कर दे हो? बेचोगे के नहीं? अच्छा ए नहीं बेच दे जी ए रखी हुई है तुसी? हाँ जी। अच्छा एदे नाल की पट्ठ बकरा की है? दोने बकरी है जी। अच्छा दोने बकरे आ वाला भी तुहाडा माल है? हाँ। ले आओ दिखा दो थोड़ा आ आ लिखा हाँ ले आओ। आ देखो जी दसना बेटा किन्ना सूआ होगा? ये भी दूजे सूए है। दूसरा सूआ ते कद होना चाहिए 34-35 के करीब थन देखो तुसी दूध 1.5-2 किलो होना चाहिए है ना। हाँ जी। ते बच्चा नाल है ये? हाँ जी नाल है। कोई नहीं छड़ दो भीरे छड़ दो। आ देखो जी का बच्चा भी है नाल ते आ दिखाना जरा फेस दिखा दो इधर। आ देखो सिंह बहुत वधिया वाइट दे विच है बकरी ए वेचोगे कि नहीं? वेचनी है जी। एदा की मांगदे हो? 25,000 रुपया। अच्छा 25,000 रुपये इसका मुल कर दे है। आ वाला आ देखो जी काले डब्बे दे विच बकरी काफ़ी वधिया हाँ हाँ एदे बारे दसना बेटा। हाँ जी। किन्नवा सूआ है? दूजे सूए। अच्छा दूजा सूआ देखो फेस वाइट आईज सिंग वधिया ते नक दी बनावट वधिया। और थन भी दिखाओ जरा। आ देखो ते एदा की मांगदे हो? 25,000 रुपये। अच्छा 25,000 रुपये मांगदे एदे ते ए की मतलब किन्नवा सूआ होएगी कुछ है? दूजे सूए। हाँ दूजे सूए दस है। आ वाली भी तुहाडी है गुलाबी कन्ना वाली? अच्छा वो बेचनी नहीं दिखा दो जरा। आओ देखो
वेचनी नहीं है पर दिखा दिए क्वालिटी वधिया है। आ देखो गुलाबी कन सिंह देखो वधिया फेस क्वालिटी भी वधिया इहदे नाल बच्चा भी है वो बैठा ही हैगा। एक बार दिखा दिंदे आं आपां आ देखो जी एक की रखी हुई है पाली करे हाँ जी घर वास्ते है। अच्छा ये बच्चा दिखा देना जरा आप बन देना वीरे आ जाओ उधर चलिए आप। सो काफ़ी जानवर ने गुड़िया को ते काफ़ी सेल भी है बाकी तुसी जानकारी ले लो फोन दे उत्ते जो भी आ देखो उठाना बेटा इसको ये बारे दसना किन्ने दंदा ते होगा ये उम्र का पता है कोई देखे ही है गुड़िया का जो भी इतने जानवर लेके आए ने साढ़े नाल है। बेटा तुसी जिमें इन्नी छोटी उम्र दसी है ना अपनी ते तुसी इत्थे आए हो माल लेके है ना तक्की मजबूरी पै गई सी कल्ले आए हो तुसी मेरे डैडी बीमार कारण जी असं आप ही आ जाने फिर कल्ले की तकलीफ है मैं उन्ना ही लीवर च नुक्सा आई। सो काफ़ी भावुक भी हो रही है बच्चे आप होर पासे चलते हैं क्योंकि काफ़ी इकट्ठ भी है इतने दूसरे पासे चल के आप गलबात करते हैं। बेटा दसो जरा घर के किस तरह के हालात ने की किमें चल रहे घर घर के हालात सही नहीं है जी किमें क्योंकि जी मेरे डैडी बीमार रहिंदे आ ते जेड़े बकरियां च कमाई हुंदी उन्हां दी लग जांदी है। तकलीफ की है पापा नूं उन्हां दे लीवर च नुक्स आई ये किन्ने चिरां तों हो रही है फिर 7-8 सालां वां हो गए की हुंदा की है फिर मतलब जिवें दर्द होण लग जांदा जी फिर ढिड वज जांदा जी उन्हां दा ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਰੋਣ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 10-12 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ हो भी जाते सही कई बार तो कई बार बीमार ही रह जाते डॉक्टर की कहते हैं डॉक्टर कह देंगे जी भी महंगे टीके लगते हैं जी 4-5 हज़ार के वो फिर मतलब किस तरह तुम करते हो मैनेज किमें करते हो फिर जी असी बकरियां बकरियां बेच दें जी ज़्यादा दर्द होंगे पापा के हाँ जी पिंड दे विच है सहूलत अस्पताल दी जा किते होर लेके जांदे हो बठिंडे लेके आने पिंड च नहीं हाँ जी फिर तुसी देखदे हो आ सारा काम हाँ जी असी देखदे हां की कुछ करदे हो सारे दिन विच दी जे गल करिए जिवें पढ़दे भी होगे होर की पढ़दे भी हां जी बकरियां भी ला जांदे चारण वास्ते ते घरे भी उन्होंने नीरा नूरा पा दें घर के काम भी करते हैं। हाँ जी ते खेड़ते हो कि नहीं खेड़ते नहीं जी दूजे काम ही नहीं लौट आते जी खेडना तो जी तो बथेरा करता जी खेड नहीं सकते। हाँ जी स्कूले जाने पहला घर के काम करके फिर स्कूलों आके बकरियां करते हैं जी फिर बाड़ी बूड़ी साफ करते हैं। जी करता खेड का हाँ जी करता हूँ जी कोई साथ दिंदा तुहाडा होर जिमें परिवार दे विच जां फिर कोई होर इस हालात जिमें तुसी कह रहे हो जदों मुसीबत आती है तो हाँ जी साथ दे दिंदे आ कई कई बेटी जिहड़ी है भावुक भी हो रही है ते सुभाविक जी गल है कि भावुक क्योंकि काफ़ी समस्या घर के फादर साहब जड़े ने वो बीमार हो जाते हैं तो
उन्हों का ट्रीटमेंट है जोड़ा वह करवाना पैंता। फिर कुछ ये नहीं दस डॉक्टर ने कि भी ये कदों तक चलना ये तो ही उन्होंने दवाई लाने आखा रोटी बंद करती जी जमा ही रोटी बंद। हाँ जी फिर की खाते चौल या मक्की की रोटी जे रोटी खाते फिर की होंगे रोटी ना फिर अदू भी ज्यादा दर्द होने लग जाता जी देखा जाता दर्द ना जी की करते हो फिर मतलब उस वेले जो इस तरह दर्द होंगे तो की करते फिर असं कई बार तो डॉक्टर को लाने जी कई बार हस्पता च लै जाने कई बार इस तरह भी होया भी जिमें तकलीफ आ गई तो फिर घाटे नाल मतलब बकरी बेचनी पै जाती होगी। हाँ जी हो जाता। हाँ जी किवें होंगे मतलब की घटना हुई है कदे हुई है इस तरह। हाँ जी जो मेरा डैडी बीमार हो जाते जी वो कई बार 20,000 की बकरी 10 ही देनी पै जाती है। हाँ जी फिर दुख भी होंगे होगा है ना। हाँ जी जो घाटे च पशु बेचद दुख होंगे ही है मजबूरी च बेचना पै जाता। पढ़ाई सही होंगी है। पढ़ाई सही है जी टाइम मिलता पढ़ाई में टाइम बिच जी कढ लैने जी चाहे हथन वेले पैन लगे पढ़ लें। कुछ कहना चाहोगे जो साढ़े वीर देख रहे हैं किसी तरह की कोई अपील साड़ी वीडियो नू शेयर कर देना ते जड़ा साड़ा व्यापार चल पे ते असी इलाज करा सकिए इस इलाज हो सकता है इस चीज़ का दस्या डॉक्टर ने कि मतलब सही बिल्कुल हो सकता है। हाँ जी दस्या। हाँ कितना का खर्चा वगैरह दस्या कुछ खर्चा था जी 5-6 लाख रुपया। वो कितों होना फिर मतलब इलाज बकरियां च होगा जी जे साड़ी वीडियो हुई मतलब व्यापार जो बढ़ गया था। हाँ जी नहीं मतलब इलाज इत्थों हो जूगा जा फिर कितने बाहर लैके जाना पऊगा कितने वड्डे अस्पताल लैके जाना पऊ कुछ इस तरह फरीदकोट जी। हाँ अस्पताल च। अच्छा जो फरीदकोट मेडिकल कॉलेज है उत्थे दस्या है। हाँ जी फिर बिल्कुल सही हो सकते हैं। हाँ जी हाँ जी ते खर्चा उहदा ज़्यादा है। हाँ जी खर्चा ज़्यादा जो तुसी हुणे माल पशु लैके आए हो ते ए आप ही लैके आए हो जां फिर कोई होर भी आया। आप ही लैके आए हैं जी ते मतलब सौदा सुदा भी कर लेंदे हो। हाँ जी दस्या रेट रूट तो वैसे जिम्मे तुसी दस्या सानू वीडियो च उस हिसाब नाल वेचदे हो जां फिर कोई घट घुट भी वेच दिंदे हो। वेच दिंदे जी घट घुट। हाँ जी अज निकलिया कोई काम माड़ा मोटा। हाँ जी हले तिकर तां ही निकलिया नहीं। ठीक है सो ये स्टोरी देखी है तुसी काफ़ी भावुक करने वाली स्टोरी है बच्ची दी क्योंकि जो पिता जी ने की नाम दस्या सी तुसी अपने पिता जी का जसकरन सिंह जी। जसकरन सिंह ते केड़ा पिंड है तुहाडा। सिंगो जी जिला बठिंडा। अच्छा सिंगो तो है जिला बठिंडा ते हेल्प करनी है तुसी इस गुड़िया की कि इस वीडियो नू जो तुसी शेयर करोगे तो वह बहुत वड्डी हेल्प होनी है ज़्यादा साडे वीरां तक यह पहुँचेगी जिस करके इन्हां दा व्यापार है जिहड़ा वह भी वधिया हो सकेगा क्योंकि स्क्रीन पर जिहड़ा नंबर चल रहा इन्हां कोले माल पशु खड़ा तो तुसी वो माल पशु जे लौंगे तो जिवें कि बेटी ने दस्या कि इन्हां दे जिहड़े फादर साहब ने उन्हां दा चंगा इलाज जिहड़ा हो सकदा जिस दे लई काफ़ी पैसों की लोड़ है अते डॉक्टर ने दस्या इन्हां नू कि जो फरीदकोट मेडिकल कॉलेज है उत्थे इस चीज़ का जो इलाज है। सो अगली बार फिर हाजिर होने नवी वीडियो नवी जानकारी के नाल। धन्यवाद।